सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे, उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आक्रेश में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, आप देवरिया को उठा के देखिए, उसी का नाम आया। यहाँ भी घटना में दोनों बार की FIR। इस बात को लेकर के आपके इस खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों को शराब पिला करके नशे में ले जा करके बनामा करा लेते हैं। ओम शांति शांति। लगा दी जाएगी, जहाँ जाओगे तहाँ ले जाएंगे, ले आएंगे। अब खुद हो जहाँ भी जाना आना हो बता देना चाहिए सबको, हैं? कोई ना बोली, अब कोई यहाँ फोकी ना। जब आदमी घर में सुरक्षित नहीं रह रहा है, आप निश्चिंत रहो। देखो कल क्या हुआ अब उसको हम नहीं कहते, लेकिन अब आज कुछ नहीं होगा। निर्भीक होकर के, निडर होकर के सब लोग रहो। किया किसने, नामजद कौन हुआ, इस पे ध्यान गया, ध्यान आपका है? नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे, उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आक्रेश में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, आप देवरिया को उठा के देखिए, उसी का नाम आया। यहाँ भी घटना में दोनों बार के FIR उठा के पढ़िए, क्यों आ रहा है? तो जो वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए, जनता को राहत है और जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं लगे हैं, और पूरे जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर के आपके इस खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों को शराब पिला करके नशे में ले जा करके बनामा करा लेते हैं, और करा करके जब वो पैसा मांग होश होता है, पैसा मांगने जाता है, तो उसको डरवा धमका करके या तो उसको विवश करते हैं, वो अब जाकर के कहीं हत्या कर लेता है या वो खुद मारते हैं, यही तो होता है। पहली बार हत्या हुई थी, युवक मरा था, उसकी घटना से अगर पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो क्या इतनी बड़ी घटना होती? ये बात तो आप लोग भी संज्ञान लेना चाहिए। अब आपको मंत्री जी फरुखाबाद में आपके ही जिले के जिला अध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था वहाँ पे, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं। आपके जिलाध्यक्ष का बयान है? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फरुखाबाद में कौन जिलाध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं जानकारी। लाइन ऑर्डर अगर फेल होता तो अपराधी चारों, अभी FIR हुआ, चारों अपराधी जेल में गए, एक एक की पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही वो भी जेल में जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है राजनीतिक द्वेष बस ये सब किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जो घटना पहले इसकी हुई, जो व्यक्ति की जमीन लिखवा ली गई, वो जब पैसा मांगने गया तो नहीं मिला तो जाकर के ट्रेन पे अपनी खुद जान दे दिया, उस केस को पैरवी करने के लिए नंदिनी जी पैरवी कर रही थी, तो उसको बार बार धमकी भी मिल रही थी कि आप उस केस में पैरवी ना करो, तो ये कहीं ना कहीं जाँच का विषय है। और इस जाँच के लिए, पूरी घटना की जाँच के लिए आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन फेल है, यहीं आपके SP लगे हुए हैं, CO लगे हुए हैं, DM लगे हुए हैं, IG लगे हुए हैं, प्रमुख सचिव गृह लगे हुए हैं, हम पूरी सरकार लगी हुई है, कहाँ हम लोग फेल हैं? कोई निजी मामला तो नहीं इसमें स्वार्थ अपना साथ रहा है? मंत्री जी, कैसे आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी की गुंडे हैं? क्या नाम है? एक जाति के लोग अपराधी में दो दो बार FIR क्यों? आप देवरिया में आप बताओ FIR क्यों? FIR क्यों? नाम से क्या कोई अपराधी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। देवरिया में ही भजन लाल शर्मा, हम आपसे पूछ रहे हैं देवरिया घटना का हमको जिक्र बता दो, वहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई, किसने किया आप बताओ? अगर जबान में छेद है तो बोलो कौन किया? यही हत्या हुई तो किसने किया, किसने करवाया? सुनो भाई आप, किसने करवाया? कोई नहीं करवाया, कोई निजी मामला, हम आपसे पूछ रहे किसने करवाया बताओ आप? कोई निजी मामला तो नहीं अपना स्वार्थ साध रहा है? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में सहमिला अगुंडे पैदा हुए, अपराध करने लगे, जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। आपका कहने का मतलब यादव लोग गुंडे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो।
क्या लगता है आप कहीं एक ही जाति से द्वंद क्यों हो रहा है? मतलब ये आपकी भाषा तो यादव पे ही नहीं नहीं आप ये आप बोल रहे हो ना, ये तो आप बता रहे हो। एफ आई आर आखिर में आमने सामने क्यों हो रहा है? चलिए।